अगर आपको गारमेंट स्टोर ओपन करना हो तो आपको किस तरह के कीवर्ड्स चाहिए होंगे? अभी मैं आपको एक केस स्टडी दिखाऊंगा जिसमें मैं एक गारमेंट स्टोर को एग्जांपल लेकर उसके बिज़नेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह के कीवर्ड्स हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं उनके बिज़नेस में, और अगर वो वेबसाइट बनाएं तो किस तरह की होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो जेंट्स गारमेंट भी बेच रहे हैं, लेडीज़ गारमेंट भी बेच रहे हैं और किड्स गारमेंट भी बेच रहे हैं, तो ये किस तरह से कीवर्ड्स उनके डिफरेंट कैटेगरीज में फिल करेंगे, हम वो रिसर्च करेंगे ताकि आपको एक हैंड्स ऑन आइडिया हो जाए कि मोबाइल फ़ोन स्टोर से हट के एक और एग्जांपल भी हम लेंगे कि किस तरह से एक मोबाइल स्टोर को हम ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर गारमेंट स्टोर ओपन करना है तो किस तरह की आपको लगता है कि लोग कीवर्ड सर्च करेंगे? स्टेटमेंट के लिए ज़रा इसको सोचिए कि आपको क्या लगता है कि किस तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए या किस तरह के पेजेस होंगे और किस तरह के लोग सर्चेस करते होंगे, या आपके घर वाले या आपके क्लाइंट्स के जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह की सर्चेस करते होंगे उन चीज़ों को ढूंढने के लिए। ये चीज़ें हमें गूगल से भी पता चल जाएंगी, लेकिन स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ कीवर्ड्स लूँगा और उस कीवर्ड से हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। मैं गूगल एड्स में लॉगिन करूँगा और उसकी कीवर्ड टूल पर जाऊँगा। मैं उसमें फाइंड करूँगा जेंट्स गारमेंट्स और अपनी सर्च स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी कीवर्ड्स मिल चुके हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं डाउनलोड कर लूँगा। जैसे ये डाउनलोड होगा मैं इसका नाम चेंज करके जेंट्स गारमेंट रख दूँगा। मैं वापस आऊँगा कीवर्ड टूल के ऊपर, अपनी सर्च चेंज करूँगा और उसमें मैं लिखूँगा मैं लेडीज़ गारमेंट सर्च करूँगा और मैं देखूँगा कि इसके अगेंस्ट क्या सर्चेज आती हैं, और इसी को मैं डाउनलोड भी कर लूँगा ताकि मैं इसको बाद में गूगल ड्राइव में मैनेज कर सकूँ। फाइल का नाम रीनेम किया और उसको सेव कर लिया। हम फिर आएंगे वापस गूगल के टूल के ऊपर और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा किड्स गारमेंट्स। ये रिजल्ट्स भी मैं डाउनलोड कर लूँगा। और इसको रीनेम कर लूँगा। जैसे मैं तीनों फाइलें क्रिएट करूंगा, मुझे गूगल ड्राइव में जाकर एक नए क्लाइंट के लिए एक नया फोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं एबीसी गारमेंट्स रखता हूं, और उसके अंडर मैं एक कीवर्ड्स का फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंडर मैं फोल्डर्स बनाऊंगा कैटेगरी वाइज। और मैं हर फोल्डर के अंदर उसकी कीवर्ड सर्च की फाइल अपलोड कर लूँगा। जब मैं ये सब कर लूँगा तो मैं किसी एक कैटेगरी को पकड़ूँगा और उसको मैं कीवर्ड रिव्यू शुरू कर दूँगा। तो लेट्स सपोज कि हम किड्स गारमेंट्स को लेते हैं और उसको रिव्यू करते हैं कि उनमें किस तरह के कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के गारमेंट्स ढूंढने के लिए। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इसको फ़िल्टर लगाऊँगा। और मैं कॉलम एक नया क्रिएट करके इसको मैं
नंबरिंग भी दे दूंगा। ये फिल्टर याद रहे कि आपने पूरी डेटा के ऊपर लगाना है, इंक्लूडिंग द नंबरिंग कॉलम। इन्फॉर्मेशन को विजिबल रखने के लिए मैं ऊपर से लॉक कर लूँगा इसको, और इसको मैं सॉर्ट भी कर लूँगा हाईएस्ट टू लोएस्ट, ताकि मेरे पास वो कीवर्ड्स ऊपर आ जाएं जो सबसे ज़्यादा सर्च होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले जो कीवर्ड है वो बेबी गर्ल ड्रेसेस हैं, जो कि 10,000 से 1,00,000 दफ़ा सर्च किए जा रहे हैं। फिर बेबी ड्रेस है जो कि सेम 10,000 से 1,00,000 दफ़ा सर्च किया जा रहा है। और इसी तरह से अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएँ तो गर्ल्स क्लोथ, बेबी क्लोथ, किड्स ड्रेस, चिल्ड्रन ड्रेस, ये सारे डिफरेंट नेम्स हैं सेम चीज़ों के जो लोग सर्च करते हैं और उनको फिर वो बाय करते हैं जाके। अगर आप गारमेंट स्टोर चला रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेजेस बनाएं जिसमें बेबी ड्रेसेस या बेबी गर्ल ड्रेसेस या बेबी बॉय ड्रेसेस, फिर किड्स ड्रेसेस या चिल्ड्रन ड्रेसेस, और उसके बाद फिर न्यू बॉर्न बेबीज, उन सब के लिए आप अलग क्लोथिंग रख सकते हैं। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आपके पेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो आप उनको ये कीवर्ड असाइन कर देंगे। अगर आपके कुछ कीवर्ड ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट वो पेजेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो आप उनको नए कीवर्ड्स या नए पेजेस बनाकर आप उनको वो कीवर्ड असाइन कर सकते हैं। मैं इसमें से कुछ टारगेटेड कीवर्ड्स हाईलाइट कर सकता हूँ। वो कीवर्ड जो मुझे लगता है कि हेल्प करेंगे बाद में, उनको मैं येलो करूँगा। जो मुझे लगता है कि अभी वो कीवर्ड चाहिए जो मनी कीवर्ड्स हैं या जो बड़े टारगेटेड कीवर्ड्स हैं जो मुझे सेल्स जनरेट करके दे सकते हैं, मैं उनको ग्रीन मार्क करूँगा। और फिर मैं उनके अगेंस्ट उन कीवर्ड्स को वेबसाइट के अगेंस्ट मैं एसोसिएट कर दूँगा उनके पेजेस के साथ। जब आप एक कैटेगरी को कर चुके होंगे तो आप सेम काम दूसरी कैटेगरी में भी करेंगे और फिर तीसरी कैटेगरी में भी करेंगे, और ये जब तक आप करते रहेंगे जब तक कि आप पूरी वेबसाइट की कीवर्ड्स निकाल कर उसको ऑप्टिमाइज़ ना कर लें या उनको शॉर्टलिस्ट ना कर लें। मैं आपको क्विकली जेंट्स गारमेंट्स में दिखा देता हूँ कि किस तरह से लोग अपने जेंट्स की गारमेंट्स सर्च करते हैं, और अगर आप एक जेंट्स गारमेंट्स का स्टोर चलाएंगे तो आपको कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करना है अपने राइट कीवर्ड्स के अगेंस्ट। इसको मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट करूँगा, और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सर्च होने वाला कीवर्ड है वो मेंस फैशन है, फिर मेन ड्रेस है, मेन ड्रेस डिज़ाइन है, शलवार कमीज़ है, शेरवानी है, कुर्ता है, मेंस क्लोथिंग है। अगर आप ये सारी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो आपको ये कीवर्ड्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अभी ऑनलाइन शॉपिंग फॉर मेन बड़ा जेनेरिक कीवर्ड है, मुझे ये नहीं पता कि लोग इसमें क्या सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं गारमेंट स्टोर हूँ तो मुझे ये कीवर्ड बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखूँगा। लेकिन अगर कोई मेंस शर्ट ऑनलाइन शॉपिंग सर्च करे तो मैं उसको प्रायोरिटी पे रख सकता हूँ, क्योंकि मैं शर्ट्स या क्लोथिंग वो सेल कर रहा हूँ। समर ड्रेस फॉर मेन भी मेरे लिए एक टारगेटेड कीवर्ड हो सकता है, मैं इसको एक पेज पर ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से आप नीचे चलते जाएंगे और अपने टारगेटेड कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाएंगे, और बाद में ये कीवर्ड्स आप जब ग्रुप में निकालेंगे उसके बाद इसको एसोसिएट कर लेंगे। यही प्रैक्टिस आप लेडीज़ गारमेंट्स का करेंगे, और इसी तरह से आप जितने भी सेक्शन हैं वेबसाइट के, सिंगल प्रोडक्ट्स और उसके बाद कैटेगरीज, आप उन सब के साथ ऐसे ही करके एक प्रॉपर पूरी कीवर्ड की रिसर्च आप ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। तो ट्रेनिंग, जैसे कि आपने देखा इस लेसन में हमने एक एग्जांपल ली गारमेंट स्टोर की, कि किस तरह से एक नया गारमेंट स्टोर अपनी अगर वेबसाइट बना चुका है या अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है तो कीवर्ड सर्च करके अपनी पेजेस का स्ट्रक्चर, अपनी डिमांड ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल सकता है। उसको एग्जैक्टली पता होगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं
और उसको क्या बेचना है। अगर उनको ये नहीं पता होगा तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगे कि वो सब कुछ तो डाल देंगे वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ज़्यादा बिकेगा, क्या कम बिकेगा और किसको ज़्यादा उनको बेचना चाहिए। तो कीवर्ड सर्च बड़ी क्लैरिटी से आपको बता देती है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और एक अच्छा बिज़नेस ऑडियंस को फॉलो करता है। जैसे ही वो ऑडियंस को फॉलो करेगा वो प्रोडक्ट ज़्यादा रखेगा जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन कीवर्ड्स के गेंस ऑप्टिमाइज करेगा जो लोग सर्च कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब आप गूगल में रैंक करेंगे इन कीवर्ड्स के गेंस, तो वो राइट पीपल राइट पेजेस पर जब लैंड करेंगे तो सेल्स और लीड्स भी बढ़ेंगी।